नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे अंग्रेजों की सरकार, आगे अंग्रेजों की सरकार। दिल्ली के बाद मुंबई के कांदिवली में नागरिकता संशोधन कानून और जामिया यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे के बाद लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिंदू मुस्लिम सहित सभी धर्म के लोग मौजूद रहे और सबने नारे लगाए, हमें चाहिए आज़ादी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित थे मौलाना इश्तियाक इसराइल चौधरी और विनायक पाटिल। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को। पीछे यहाँ की आवाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ में हैं। ये जो संशोधन कानून लाया गया है, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम इस संशोधन कानून, ये संशोधन कानून जो संविधान के खिलाफ है, उसका विरोध करती है। अभी चंद दिनों पहले जो जामिया मिल्लिया में हुआ, जो पुलिस वालों ने घुस करके तोड़फोड़ किया, ये सारी आवाम उसका निंदा करती है। अगर सरकार ने ये कहा कि यहाँ पे हिंदुओं को नागरिकता दिया जाएगा, सिख ईसाइयों को नागरिकता दिया जाएगा, तो उसमें एक जाति धर्म को क्यों छोड़ा गया? क्या हिंदुस्तान के आज़ाद कराने में मुसलमान नहीं थे? क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शाह इस्माइल शहीद, सैयद इस्माइल शहीद नहीं थे जो शहीद कर दिए गए लड़ करके? क्या वो मुस्लिम नहीं थे? वीर अब्दुल हमीद जो थे वो शहीद कर दिए गए, क्या वो मुस्लिम नहीं है? ये सरकार सरासर मतलब विधान के का संविधान का उल्लंघन कर रही है। हम सारी आवाम, सारी जनता उसकी निंदा करते हैं। जय हिंद। हिंदुस्तान जल रही है, जो ये सरकार तानाशाही की चल रही है, ये सरकार के खिलाफ हमारी पूरी जनता और आप लोग का मिलकर, सबका सहयोग मिलकर रहेगा, तो इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सरकार उन्होंने जनता ने चुन के दिया था, अगले 5 साल इनका पूर्व बहुमत की सरकार थी, अभी आने वाले दिन में पूरी भाजपा सरकार थी, जनता ने इनको चुन के दिया, काम करने का दिया है। काम करो, जात पात की बताई राजनीति मत करो, सबका साथ सबका विकास का नारा दिए थे, देश को आगे ले जाने काम करो, मगर ये नारा उन्होंने छोड़ दिया, ये नारा छोड़ दिया उन्होंने। एक बार आके तो बोलो कि भाई जनता के बारे में, मगर एक बार वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना एक बार कहने तैयार है। जनता मर रही है, मरने दो, कट रही है, कटने दो, इनका जो रोटी है वो सेक रहे, इनका रोटी बरोबर चल रही है। मगर एक बार मैं आपको आह्वान करता हूँ, आपके टीवी चैनल से आह्वान करता हूँ कि आने वाले दिन में, कुछ ही दिन के अंदर ये बिल हम लोग का अगर संशोधन नहीं हुआ तो इससे बहुत संख्या, भारी से भारी मोर्चा हम लोग निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो हमारी अख्तियार है पूरी जनता मिलकर इनका हमको सबक सिखाएंगे। बिल के खिलाफ प्रदर्शन करें, आपकी क्या मांगे, कैसा होना चाहिए? ये जो बीजेपी सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल जो लाया है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान की 80% जनता उसके खिलाफ है। बीजेपी सरकार का ये रवैया मेजोरिटी के जोर पे उसने जो किया है वो जनता के खिलाफ है। लोगों को हिंदू मुस्लिम लोगों को बंटवारा करना और देश में विद्रोह फैलाना, यही काम बीजेपी सरकार कर रही है। मेरा ये मानना है
कि जब बिल में प्रावधान रखा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे उसमें से खाली हिंदू जो हैं, सिख जो हैं, बौद्ध जो है उनको ही नागरिकता दी जाएगी, ये सब सरासर गलत है। मुस्लिम को क्यों गलत नहीं, वो आदमी नहीं क्या, मानव नहीं है क्या? तो सभी के खिलाफ हम इस प्रदर्शन से विरोध जाहिर करें।